जल शक्ति विभाग लोगों को पेयजल व सिंचाई के लिए पानी तो मुहैया करवाता है, अब विभाग द्वारा लोगों के घर में बने शौचालय के सेप्टिक टैंक खाली करने का काम भी किया जाएगा। इसको लेकर विभाग ने स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर योजना भी बनाई है। 10.4 करोड़ रुपए लागत की इस योजना के तहत विभाग ने सकोह के समीप 3,500 स्क्वायर मीटर जगह चिन्हित की है। विभाग की इस योजना के तहत लोगों से सेप्टिक टैंक खाली करने की एवज में राशि निजी स्तर पर कम ली जाएगी। जल शक्ति विभाग धर्मशाला के एक्सिन श्रवण ठाकुर ने बताया कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला के तहत जल शक्ति विभाग एक प्रोजेक्ट बना रहा है। धर्मशाला शहर के सीवरेज सिस्टम से जिन क्षेत्रों के लोगों के सेप्टिक टैंकों को जोड़ने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, ऐसे में शौचालय के सेप्टिक टैंक भर जाने पर लोगों को जो दिक्कतें पेश आती हैं, उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये नई योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सेप्टिक टैंक को खाली करके ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए जल शक्ति विभाग ने 3,500 स्क्वायर मीटर की लगभग जगह चयनित की है। 10.4 करोड़ रुपए लागत से ये योजना टेंडर स्टेज पर है। इस योजना के तहत शहर में जिन लोगों के सेप्टिक टैंक भर गए हैं, उन्हें विभाग अपनी मशीनों के माध्यम से खाली करवाएगा और ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर उसे ट्रीट करेगा। इसके लिए विभाग द्वारा कुछ चार्जेस भी लिए जाएंगे। वर्तमान में प्राइवेट स्तर पर लोग सेप्टिक टैंक खाली करवाते हैं तो उसकी एवज में हजारों रुपए देने पड़ते हैं, जबकि विभाग की योजना है कि इसके लिए सेप्टिक टैंक खाली करवाने में 400 से 500 रुपए लिए जाएंगे और सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई मशीनरी के माध्यम से ये काम किया जाएगा। विभाग सिर्फ लेबर चार्जेस ही लेगा। हमने एक स्मार्ट सिटी धर्मशाला के तहत एक हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो लोगों के सेप्टिक टैंक हैं, किसी कारण हमारे जो सीवरेज सिस्टम है धर्मशाला टाउन की जो सीवरेज सिस्टम है उसे हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो लोगों को अपने जब सेप्टिक टैंक भर जाते हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं अपने खाली करने के लिए। तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक हमने स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो सेप्टिक टैंक खाली करके उसको हम ट्रीट करेंगे, जिसके लिए हमने जगह भी चिन्हित कर ली गई है 3,500 स्क्वायर मीटर के करीब, और साथ में उस इसकी लागत 10.4 करोड़ के करीब है और वो भी टेंडर स्टेज पे हैं। ये लाभ होगा कि जैसे लोगों के सेप्टिक टैंक भर जाते थे तो वो उसको खाली करने की उनको ट्रीटमेंट का कोई भी साधन नहीं था, वो या तो कहीं इधर उधर ओपन लैंड में फेंक देते या कहीं नाले में फेंक देते थे। इसको हम अब हमारी ये परियोजना है कि लोगों के जितने भी जो सेप्टिक टैंक हैं उनको हम हनी सकर जो हमारी मशीन होगी उनको हम वहाँ से खाली करके अपने प्लांट में ले जाके ट्रीट करेंगे, और जिसके नॉमिनल चार्जेस होंगे जो डिपार्टमेंट सारे चार्जेस बियर करेगा, और जो कंज्यूमर होगा उन हम थोड़े से चार्ज लेंगे। मेरी नॉलेज के अनुसार आजकल जो प्राइवेटली कर रहे हैं इसको चीज़ को 7-8 हज़ार रुपये पर सेप्टिक टैंक उनका बन रहा है, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 400-500 रुपया रहेगा जो सारे चार्जेस लेके, क्योंकि इसमें गाड़ी भी सरकार की होगी सब कुछ छोड़े, हम सिर्फ लेबर की जो कॉस्ट लेंगे जो खाली करने की, उनसे फ़िलहाल हमारी जो प्लानिंग है कि कॉस्ट ही लेंगे उनके खाली करने की।